हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे एग्जाम हेल्पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि अंतिम 5 से 6 महीने का जून से अक्टूबर था और कुछ नवंबर महीने के भी पहले सप्ताह के हैं। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्जाम हेल्पर को जरूर डाउनलोड करें और इसी के माध्यम से पढ़ें। इसमें आपके बिहार के क्यूज भी हैं और बिहार बीपीएससी प्री का जो नया पैटर्न पे नया सिलेबस पे आधारित टेस्ट भी है, और बीएसएससी परीक्षा के लिए भी जो इंटरमीडिएट है उसके लिए भी टेस्ट में डालने जा रहा हूँ, जो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, जो बिहार के नए मुख्य सचिव हैं वह है दीपक कुमार, जो कि 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वे बिहार के 42वें मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे अंजनी कुमार सिंह, जो कि आजाद बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ सेक्रेटरी हैं। इनका कार्यकाल जो था, आप देख सकते हैं, मैंने प्रश्न भी बनाया है, आजादी के बाद बिहार के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका उत्तर है अंजनी कुमार सिंह, जुलाई 2014 से मई 2018 तक, जो कि बिहार के 41st यानी कि 41वें चीफ सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का टैगलाइन क्या है, जो कि विद्युत से संबंधित है? बिहार के सभी राज्यों जिलों में तक विद्युत पहुंचाने का जो संकल्प लिया है बिहार सरकार ने, उसका टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है हर घर बिजली। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हर 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 बिजली नहीं, हर घर बिजली इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टि से, मैथिली भाषा के लिए 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर ही है वैजनाथ दाह, जिसे कि 2018 का अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, मैथिली भाषा के लिए 2018 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है उमेश पासवान। अगला प्रश्न है, जो केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है भारत को स्वच्छ भारत बनाने का, तो 2018 में जो इसकी रैंकिंग ही जो इसकी बिहार की जो देखी जा सकती है, उसमें पटना का जो स्थान था वह 312वां था, और बिहार का जो शहर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया वो था कटिहार, जिसका रैंक 287 था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने 2022 तक कितने मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? याद रखिएगा, ये सोलर उत्पादन है, तो इसका जो और लक्ष्य रखा है वह है 2000 मेगावाट। अगला जो स्कीम है, जो योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना, जो कि बिहार में रोजगार प्रदान करने से संबंधित है। अगला जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में बिहार फिर नंबर 1। जी हाँ, यह पूरे प्रदेश भर में बिहार में 1 लाख गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें बिहार को प्रथम स्थान मिला है। अगला जो है वह, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं जस्टिस मुकेश कुमार शाह, जो कि गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज थे पूर्व में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का शुरुआत कब हुआ, मतलब किस तारीख को की गई? तो इसका सही उत्तर है 4 अगस्त 2018।
अगला प्रश्न है, जो भारत सरकार के का कार्यक्रम है न्यू इंडिया विजन 2022 तक सभी पिछड़े जिलों को में विकास के लिए, जिसमें कुल 115 जिलों को शामिल किया गया है, इसमें से कुल बिहार के जो जिले हैं वो है 13। याद रखिएगा, कुल बिहार के जो जिले हैं पिछड़े जिलों में शामिल वो है 13, और उनका नाम मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। ये है अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। अगला जो है, देश के पिछड़े जिलों में शामिल बिहार की, हाँ जी ये वही है, मैं सॉरी। अगला जो है, ये जो हमारे राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो पुलिस और जवानों को सम्मानित करते हैं, उसमें बिहार के कुल 14 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 2018 में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कौन सा जयंती समारोह पटना में मनाया गया? तो यह 111वां जयंती समारोह था। अगला प्रश्न है, बिहार के अमन राज किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर गोल्फ है। आप देख सकते हैं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था जयपुर गोल्फ ओपन में, जो कि अपना कैरियर का पहला खिताब जीता था उस प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है, जो पटना के हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं मुकेश शाह, उन्होंने घोषणा किस बिहार के किस जिले राज्य का पहला चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर बेतिया है। यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर पांचवा है, जिसमें तेलंगाना टॉप पे है। अगला प्रश्न है, 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसावटों को जोड़ने में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर पहला है, बिहार पूरे देश में टॉप पे रहा। अगला जो है, बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाली बात है, 17 वर्ष बाद बिहार रणजी टीम को और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का मौका दिया गया, जिसका नेतृत्व और कप्तानी कर रहे हैं प्रज्ञान ओझा और जिसके कोच हैं सुब्रतो मुखर्जी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, बिहार में पटना जिला का कौन सा प्रखंड है जिसके सभी पंचायत डीजी यानी कि डिजिटल गांव बन गए हैं? तो ये है फतुहा प्रखंड। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिहार की जो शूटर हैं श्रेयसी सिंह, इनको राष्ट्रपति कोविंद से अर्जुन अवार्ड पुरस्कार प्राप्त किए हैं। देख सकते हैं, बिहार की शूटर श्रेयसी को भारत के राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर है अर्जुन अवार्ड, और ये बिहार की पहली महिला हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना के किस स्थान पे 397 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सैदपुर, जो कि पटना में ही स्थित है। इस साइंस सेंटर में आर्यभट्ट से लेकर कलाम तक का आपको विजन देखने को मिलेगा, और इसमें कुल लागत जो आने वाली है, कुल खर्च जो होने वाली है वो है 397 करोड़। अगला है, 2 SDO को मुख्यमंत्री करेंगे पुरस्कृत, ये उन्हें दहेज विरोधी और बाल विवाह के खिलाफ शानदार काम करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है, और इस योजना और इस पुरस्कार का शुरुआत पिछले वर्ष हुआ था। बिहार के मोहम्मद मुश्ताक अहमद बने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, जो बिहार हॉकी इंडिया है उनके जो नए अध्यक्ष हैं वो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम है मुश्ताक अहमद, मोहम्मद मुश्ताक अहमद।
अगला जो स्कीम है बिहार सरकार की, वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो कि स्टूडेंट के हेल्प के लिए ये योजना की तैयारी स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संसद भवन के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर 33 फीट है, जो कि मोतिहारी में इसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न बिहार की ही एक स्कीम और योजना से है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना एवं यो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर 4 अक्टूबर है। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी 100 स्मार्ट शहरों, जिसमें पटना भी स्मार्ट शहर के लिए चुना गया है, सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच होने वाले स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 प्रतियोगिता के पहले चरण में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर 56वां है और बिहार शरीफ को 69वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने युवाओं को विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है? तो इसका सही उत्तर 6 है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया जकार्ता में संपन्न हुए तृतीय पैरा एशियन गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर शरद कुमार, मोहम्मद शम्स आलक शेख, नारायण ठाकुर और प्रमोद भगत है। और जो जो इसमें पुरस्कार पाए हैं, जो जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते हैं, आप देख सकते हैं बिहार के नारायण ने 100 मीटर में पहली बार भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। पैरा एशियन गेम्स में बिहार के पहला पैरा एथलीट शरद कुमार ने उच्च कूद प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर स्वर्ण है। आप देख सकते हैं बिहार के शरद कुमार ने दूसरी बार जीता गोल्ड। इन्होंने 2014 पैरा एशियन गेम्स में भी गोल्ड का खिताब जीता था। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिला में राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? तो ये इसका उत्तर राजगीर है। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन पैरा गेम्स में बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 पदक हासिल किए? तो ये प्रमोद भगत है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, अल्पवृष्टि होने के कारण बिहार के 23 जिलों के कितने प्रखंड को सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई की जाएगी? इसका सही उत्तर 275 है। इस शुरुआत में आप देख सकते हैं 23 जिलों के 206 प्रखंडों को चुना गया था इस घोषणा करने के लिए, लेकिन बाद में 69 और प्रखंडों को जोड़ा गया है, जिससे कुल 275 हो गई है प्रखंडों की संख्या। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जगहों को जोड़ने से संबंधित परियोजना बोध सर्किट कितने शहरों को जोड़ेगी? तो इसका सही उत्तर 7 है। वैशाली, पटना, बोधगया, राजगीर, नालंदा, कहलगांव एवं विक्रमशिला। जो ये योजना है, ये 2020 तक पूरी हो जाएगी। पटना के किस रग्बी खिलाड़ी को ब्रुनेई में हुए एशिया वुमेन्स 7A साइड रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर स्वीटी कुमारी है। महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का प्रथम महीने के आंकड़े के अनुसार लाभ लेने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर 7वां है। इस योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची से शुरुआत की थी। पक्षुपालन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिहार सरकार के पक्षु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड से है, जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।
बिहार के किस शहर की शाही लीची को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? इसका सही उत्तर मुजफ्फरपुर है। केंद्र द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच होने वाले स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 प्रतियोगिता के पहले चरण में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर 56वां है और मुजफ्फरपुर को 72वां। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध संपूर्ण टीकाकरण से है। अब देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संपूर्ण टीकाकरण, और इसके जो पात्रता है कंडीशन से आप ये याद कर लीजिएगा। अमेरिका में हुई मिस टीन अर्थ सौंदर्य प्रतियोगिता में बिहार की किस बेटी ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2018 का खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया? तो इसका सही उत्तर है भावना जैन है, जो कि यमुना नगर से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत के उच्च संस्थानों की जारी की गई क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर 34वां है और ये बिहार का एकमात्र संस्थान है जो कि इस रैंकिंग में स्थान मिला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है अभिनेता पंकज त्रिपाठी और पर्वतारोही संतोष यादव हैं, जो पंकज त्रिपाठी हैं ये सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। आपने इसका फिल्म इसकी मूवी न्यूटन भी देखी होगी, जो कि चुनाव से ही संबंधित थी। बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा था इनका। अगला जो पॉइंट है वो है 250 से अधिक ट्रेनों के संचालन वाले मंडलों में हुआ सर्वेक्षण, जिसमें दानापुर रेल मंडल को पहला स्थान प्राप्त हुआ ट्रेनों के समय के पालन में। ये अगला भी अवार्ड से संबंधित है, भारतीय चिकित्सक संघ के सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए नामांकित होने वाले बिहार के एकमात्र चिकित्सक हैं, वह है डॉक्टर बीबी ठाकुर। यह 17 साल बाद घोषित बिहार रणजी टीम के कप्तान कौन है? तो मैंने पहले भी बताया है, प्रज्ञान ओझा, और इनके कोच सुब्रतो मुखर्जी हैं। पीके ठाकुर व एनके सिन्हा ने ली सूचना आयुक्त के पद की शपथ। अब देख सकते हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को राजभवन में आयोजित समारोह में पूर्व डीजीपी पीके ठाकुर और सेवानिवृत्त आईएएस एनके सिन्हा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। साइबर अपराधों के लिए की खुलासे के लिए साइबर सेनानी का गठन किया जाएगा, जो कि बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिला स्तर पे साइबर सेनानी का गठन किया जाएगा साइबर क्राइम रोकने के लिए। सेवा केंद्र से पासपोर्ट बनाने के लिहाज से बिहार दूसरे स्थान पे है, इसको याद रखिएगा, जबकि यूपी पहले स्थान पे है। जस्टिस एपी शाह होंगे पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, जो नए चीफ जस्टिस का जो रिकमेंड किया गया है कॉलेजियम की तरफ से, वो जस्टिस एपी शाही का नाम को रिकमेंड किया गया है पटना के, सॉरी, बिहार के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश हैं। पटना सिटी बस सेवा को मिला कमांडेबल इनिशिएटिव अवार्ड, जो आप देख सकते हैं, जो कि आयोजन किया गया था 11वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पटना को सिटी को बस सेवा के लिए कमांडेबल इनिशिएटिव अवार्ड मिला। बेगूसराय में 10 एकड़ भूमि पर बनेगी ट्रैफिक ट्रेनिंग एकेडमी। जी हाँ, बिहार में ट्रैफिक ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जो कि बेगूसराय में होगा। पीएमसीएच, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का बिहार सरकार ने दावा किया है, जिसके लिए कुल 5540 करोड़ रुपए के लिए स्वीकृति मिली है। याद रखिएगा ये राशि 5540 करोड़। पीएमसीएच बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, ये तो बिहार राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर मानस वर्मा को मिलेगा शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार। ये जो है ये तेजस जो विमान देने वाले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
उनके निकटतम सहयोगी में से ये हैं डॉक्टर मानस वर्मा, जिन्हें पहले पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। राजीव गांधी की 74वीं जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2018 को इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता एवं सुरक्षित उपलब्ध कराना है। याद रखिएगा, ये इंदिरा ऐप जो है, इससे महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। आगे जो है, बिहार से जो आगामी जो परीक्षा है, बीएसएससी का, बीपीएससी का, विधानसभा का, उसके लिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने मटेरियल मेरे एंड्रॉयड ऐप में पढ़ सकते हैं। बिहार एक परिचय जो मतलब वन लाइनर टाइप का है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था बिहार के करंट अफेयर्स को आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि मैंने बहुत देखी, कहीं भी बिहार का करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत सारे पेपर पढ़े, बहुत सारे इंटरनेट से सहयोग लिया, तब जाके एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई कुछ मेरे तरफ से कोई कमी रह गई होगी, गलती रह गई होगी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो थैंक यू।